रहो, काम सब करो, किसी को पकड़ो मत। आप लोगों ने गलती क्या की, पकड़ रखा। आपके जूते चप्पल चोरी हो जाए तो आप लोग जूतों से इतने अटैच होते हैं, आप रोते हैं मेरा जूता चला गया। जब इतने धन्ना सेठ हो, 10,000 के जूते पहनने की औकात है आपकी, तो क्या जूता पहनने से आपको ये नहीं पता कि ये एक दिन चोरी हो जाए? आप उतारेंगे बाहर कहीं तो चोरी होगा, 90% संभावना है। या तो आप 10,000 का जूता मत पहनो, 100 रुपए वाली चप्पल जूता पहनो, 500 वाली के चला जाए चोरी कोई बात नहीं। अब 10,000 के पहनने की ताकत है तो उसके चोरी होने पर जिगर भी थोड़ा मजबूत रखो कि भैया गया तो गया, या तो पहनो मत, और पहन रहे हैं तो अपना दिल थोड़ा बड़ा कर लो, उसके लिए रोने से तो लाभ नहीं है। लेकिन आप हैं कि जूते और चप्पल के लिए भी आप रोएंगे। पड़ोसी मर जाए उसके लिए आप रोएंगे, कमर में दर्द हो जाए उसके लिए आप रोएंगे, बहू के बेटा नहीं हो रहा उसके लिए आप रोएंगे, और सबका जिम्मेदार, सबकी जिम्मेदारी है। ये भगवान ने हमें ये सुख नहीं दिया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, सारा दोष आप भगवान पर लगाते हैं। अरे भगवान ने सुंदर सी जिंदगी दी तो है हंसने मुस्कुराने के लिए, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या, आएगी तो मर लेंगे। आप लोग तो मर ना जाए, अरे मर जाओ अच्छा है, कौन नहीं मरेगा, कौन नहीं मरता। जीवन से इतना जो तुमने मोह कर रखा है, और जो 200 500 साल जीने की तुम्हारी जो उम्मीद है, ये तुम्हें रुला रही है। खुश रहो, इच्छाओं का अंत करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, और वस्तुओं से अटैच इतना ना रहो। ये वस्तुएं उपयोग के लिए हैं। आप कितना भी बढ़िया आलीशान महल बनवा लें, लेकिन वो महल एक दिन खंडहर होगा। बताओ आज के 100-200 साल पहले सबसे बढ़िया महल कौन सा था? कौन सा बढ़िया किला था? ये लाल किला, ये लाल किला उस जमाने का महल ही तो था। उस जमाने के राजा महाराज, इसमें पूरी भारत के राजा महाराजा यहां आया करते थे, जिनके हाथों में सत्ता थी वो सत्ताधारी इन महलों में रहा करते थे। ये वही महल हैं जिनमें आज चिड़िया घोंसला बना रही, अंडे दे रही है। ये वही महल है एक जमाने के जिनमें आज कोई झाड़ू लगाने वाला भी नहीं, हाँ या ना? ये वही महल हैं जो आज खंडहर पड़े हैं। किन महलों की बात कर रहे हैं आप? जीना अच्छी बात है, कमाना, पैसा कमाना अच्छी बात है, परिवार की सेवा करना अच्छी बात है, समाज की सेवा करना अच्छी बात है, पर समाज से परिवार से अटैच होना कि अब मैं इसके बिना जी नहीं सकता, ये गंदी बात। आप लोग जीते जीते इतने मशहूल हो जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं जी, अब इसके बिना तो हम जी। एक लड़की एक लड़का प्यार करते थे, लड़की ने कहा कि नहीं अब हम प्यार वार नहीं कर पाएंगे ज्यादा, अब हमारे पिताजी कह रहे हैं शादी करो, हमारी शादी लग गई है, फलानी तारीख की शादी है। लो भैया, लड़का को पता चला कि मैं जिससे प्यार करता था उसकी शादी है, लड़के ने जहर खा लिया, मर गया, उसके प्यार में मर गया। लो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मर जा तू, वो तो अपना करा ही रही है शादी, ये मर गया। तो भैया संसार से इतने अटैच ना हो जाओ कि संसार के लिए मरना पड़े। अरे मरना ही है तो भगवान के लिए मरो। मीराबाई मरती थी भगवान के लिए। संसार से अटैच होंगे तो संसार के लिए रोना और मरना दोनों पड़ेगा, इसलिए भगवान से मोहब्बत करो, प्यार भगवान से करो।
क्या संसार के विषयों के लिए हम मरे, क्यों मरे? यह जीवन भगवान ने मरने के लिए दिया है। अरे मौत आएगी तो मर ही लेंगे, उसमें फिर रोकेगा थोड़ी कोई। अभी तो आनंद से जियो, भगवत चिंतन करो, सेवा करो परिवार की। तो आज से गोपियां कैसी थी, ये सारा मैसेज हमें गोपियों से मिला। गोपियां कैसी थी, काम करते वो परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग थी, और आप लोग अलग रहते हुए भी परिवार में ऐसे डूबे रहते हैं।